हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेली तड़का चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे सब टीवी का पॉपुलर शो पुष्पा इम्पॉसिबल के कास्ट की पर एपिसोड सैलरी की लिस्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसी लिस्ट में सबसे पहले है सरिता जोशी, जो शो में राधा काकू के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹15,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे है मानसी जैन, जो शो में असावरी के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹12,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स इसी लिस्ट में नेक्स्ट है विक्रम मेहता, जो शो में भास्कर के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹12,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे है अमित तन्ना, जो शो में महेंद्र के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹10,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स इसी लिस्ट में आगे है आदेश वैद्य, जो शो में शरण के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹11,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों बात करें इसी लिस्ट में आगे की तो वो है जगत रावत, जो शो में आशुतोष के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें पर एपिसोड का ₹13,000 सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स इसी लिस्ट में नेक्स्ट है भक्ति राठौर, जो शो में सोनल के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹18,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स इसी लिस्ट में आगे है सचिन परिक, जो शो में मनीष के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹17,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। वही दोस्तों इसी लिस्ट में आगे है केतकी दवे, जो शो में कुंजबला बहन के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹25,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। वही फ्रेंड्स इसी लिस्ट में आगे है तुलिका पटेल, जो शो में सुशीला के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹18,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। वही दोस्तों बात करें नेक्स्ट की तो उनका नाम है जयस भरभैया, जो शो में नरहरी के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹28,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे है इंद्राक्षी कांजीलाल, जो शो में प्रार्थना के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹14,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों बात करें आगे की तो उनका नाम है दर्शन गुर्जर, जो शो में चिराग के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹24,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। फ्रेंड्स इसी लिस्ट में आगे है देशना दुगड़, जो शो में राशि के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹21,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों इसी लिस्ट में आगे है गरिमा परिहार, जो शो में दीप्ति के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹28,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों बात करें लिस्ट में आगे की तो उनका नाम है नवीन पंडित, जो शो में अश्विन के किरदार में नजर आ रहे हैं। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹30,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। दोस्तों इसी लिस्ट में आखिर में है करुणा पांडे, जो शो में पुष्पा के किरदार में नजर आ रही है। दोस्तों उनकी सैलरी की बात करें तो उन्हें ₹38,000 पर एपिसोड की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों यह सो पुष्पा इम्पॉसिबल के एक्टर्स के पर एपिसोड सैलरी की लिस्ट। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस शो में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। वे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।